दोस्तों वर्तमान में कई लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं। ऐसे में ये लोग अपनी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं होता। वैसे दोस्तों इसका प्रमुख कारण है पितरों की नाराजगी। जी हाँ, पितृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन संवार सकती है, किंतु रुष्ट होने पर आपको घोर संकट में डाल देती है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 7 ऐसे प्रमुख लक्षण बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके पितर भी आपसे रुष्ट तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ लोगों के साथ बड़ा ही अजीब होता है, जब कभी ये भोजन करने बैठते हैं तो इनके भोजन में से बाल निकलता है। भले ही ये भोजन कितनी ही सावधानी से क्यों ना बनाया गया हो, भले ही साफ सफाई व स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं बाल कहाँ से आ जाता है। और तो और हद तब होती है जब ये लोग किसी रेस्टोरेंट या किसी रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने बैठते हैं तो वहाँ पर भी बाल निकल जाता है। वैसे हो सकता है कि आपको ये बात सामान्य लगे, लेकिन शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार ये घटना पितृ दोष का स्पष्ट संकेत है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दोस्तों कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी सी गंध आती है जिसे सूंघकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आमतौर पर ये गंध मंदिरों तथा कुछ विशेष स्थानों से आती है, जो इस बात का संकेत है कि वहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति वास करती है। किंतु इसके ठीक विपरीत जब आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर आपको दुर्गंध का आभास होता है तो समझ लेना चाहिए कि ये दुर्गंध पितृ दोष की ओर इशारा कर रही है। वैसे ये दुर्गंध घर के सभी सदस्यों को आती है, लेकिन वे दिन रात इसी गंध को सूंघते रहते हैं तो उन्हें इस बात का आभास नहीं होता और वे ठीक से समझ नहीं पाते। चलिए अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। दोस्तों वैसे तो सपने आना एक बहुत ही सामान्य बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। विशेषकर हमें सपनों में वही लोग दिखाई देते हैं जो हमारे अपने हैं, या कहें कि जो अपने थे लेकिन अब वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका कोई पूर्वज आपको बार बार सपने में दिखे तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वप्न सामान्य नहीं अपितु ये पितृ दोष होने का स्पष्ट संकेत है। चलिए अब बात करते हैं चौथे लक्षण की। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कभी सुख शांति से नहीं रह पाते, इनके साथ हमेशा ही परेशानियां बनी रहती है। जैसे ही इनका थोड़ा सा अच्छा समय आता है, जैसे ही ये कभी खुशियां या उत्सव मनाते हैं कि तभी अचानक से इनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। एकाएक कहीं से कुछ ऐसा घटित होता है जिससे कि रंग में भंग पड़ जाता है और खुशी का माहौल दुख में तब्दील होता दिखाई पड़ता है। अतः दोस्तों यदि संक्षिप्त में कहें तो ये पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें लक्षण की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ युवक बड़ा ही उत्तम आचरण करते हैं, ये बोली चाली व स्वभाव से बड़े ही अच्छे होते हैं, किंतु फिर भी इनका विवाह नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके लिए लड़कियों की कमी है या इनके घर रिश्ते नहीं आते। कहने का अर्थ ये है कि इनके घर रिश्ते भी आते हैं और ये लड़कियों को व इन्हें लड़कियाँ भी पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि कई बार शादी की तारीख भी तय हो जाती है, लेकिन फिर पता नहीं इन वक्त पर क्या होता है कि लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। हो सकता है दोस्तों कि ऐसा मामला आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा हो, या ये भी हो सकता है कि वर्तमान में आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हो। बहरहाल उपरोक्त में से जो भी हो, लेकिन ये स्थिति किसी मनुष्य के साथ तभी उत्पन्न होती है जब उस पर पितृ दोष हो। चलिए अब बात करते हैं छठे लक्षण की। दोस्तों कई लोगों का व्यापार पेशा अच्छा होता है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें जायदाद का सुख नहीं मिल पाता। सब कुछ होते हुए भी इन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें कोई संपत्ति विरासत में मिलने वाली होती है, लेकिन फिर भी मिलती नहीं और कई वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। और तो और कई बार ऐसा होता है कि ये अपना मकान, दुकान या जमीन बेचने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बेच नहीं पाते, या कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। और जब ये कोई संपत्ति खरीदने जाते हैं तो सब कुछ तय हो जाने के बाद एन वक्त पर सौदा कैंसिल हो जाता है।
अतः दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से इस प्रकार की बाधा से जूझ रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसे इस प्रकार की परेशानी का सामना पितृदोष के कारण ही करना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं सातवें लक्षण की। दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसे दंपत्ति देखने को मिलते हैं जिनकी मेडिकल जांच इत्यादि प्रकार की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दंपत्ति संतान सुख से वंचित रहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कभी संतान हो भी जाती है तो या तो वह अस्वस्थ व कमजोर होती है या कई बार संतान गलत रास्ते पर चली जाती है। ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या पाप किए थे जिससे उन्हें ऐसी संतान मिली। लेकिन दोस्तों, यदि कोई दंपत्ति संतान सुख से वंचित है तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये लक्षण पितृदोष होने का संकेत है। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष निवारण हेतु किए जाने वाले उपायों पर। दोस्तों, वैसे तो पितृ शांति के लिए कई उपाय किए जाते हैं और इस सब के लिए आपको बहुत अधिक धन भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और इनमें कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिन्हें आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, और इस संदर्भ में हमने दो विस्तृत वीडियो बनाई है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अतः आप उन्हें अवश्य ही देखिएगा, जिनमें आपको पितृ शांति के अतिरिक्त और भी बहुत सी जानकारियां प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थे वे सात लक्षण जो आपको बताते हैं कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हो। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।